बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं। 1 लाख युवक जान गंवाते हैं हर साल लापरवाह ड्राइविंग के कारण। आप सोचिए 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस मां के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी है। एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूं, हमारे बुजुर्ग हमें जब पालते हैं, जो लोग खेती से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोग छोटी आमदनी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पूरी उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में। और उसके बाद दुख का विषय है, बड़ा पीड़ादायक सीन मैं कई जगह देखती हूं कि एक माँ बाप मेहनत करते हुए हाथों में आइटन पड़ जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, कपड़े मेले फट जाते हैं, और उसके बाद जब बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। आज हमारे 60-70% घरों में हालत यह है कि बुजुर्गों को रोटी तो मिल रही है लेकिन इज्जत से रोटी नहीं मिल रही। इस चीज को बदलने की जरूरत है। माँ बाप, मैं आपसे कहती हूं, जैसी भी परिस्थिति होती है, माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं, आपकी भी ड्यूटी है, जैसी आपकी हैसियत है, बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह से रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, इस तरह से माता पिता की सेवा कीजिए। वो अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। और माताएं बहनें बैठी हैं, एक छोटी सी लास्ट बात जो मैं कह रही हूं, बेटियों को समझदार बनाइए, बेटियों को बेटा मत बनाइए, क्योंकि बेटे तो लापरवाह होते हैं। बेटियों को समझदार बेटी बनाइए। जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाइए कि वो साथ अपने घर की इज्जत लेकर के जाती है। बेटियों को समझाइए कि कैसे लोग मीठी मीठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं। और अपनी बेटी को संस्कार दीजिए कि वो जिस घर में जाए अपने सास ससुर की सेवा करे। आजकल मैंने नया ट्रेंड देखा है, बेटियां माँ मम्मी की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती है। ये गलत चीज है। औरत घर की धुरी होती है। अगर वृद्ध लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे वृद्ध लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा, इनकी जिंदगी खुश कैसे होगी। इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है जब वो संस्कारवान हो, जब वो मेहनती हो, जब वो शिक्षा पर ध्यान दे। हमने ये सब किया है, मैं आपको बधाई देती हूँ।